एपिसोड की शुरुआत तो में हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है और वो ग्रैंड आर पार तलवार घुसा देता है क्योंकि चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ लेकिन वो कहते नहीं मत आना वरना तुम बीच में फंस जाओगे और वो सोच रहे होते हैं कि मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं कि मैं मरने वाला हूँ लेकिन तुम मत सुरक्षित पहुंच जाना क्यों करता भी तो क्या करता अगर वो निकल जाता तो वो दो डायमेंशन के बीच में फंस जाता तब हमें दिखाया जाता है कि वो ये तीनों बंदे होते हैं जो किंग को मारने के लिए आए थे और कह रहे होते हैं कि बस थोड़ा सा के चूक गया लेकिन देखा जाए कर डालेंगे। उसने इन तीनों को किया है और कह रहा होता कि जाओ पोस्टर सारे जगह लगा दो इधर हमें रूवो को दिखाया जाता है जो अभी भी टाइम और स्पेस के बीच में होती है और उसे ग्रैंड की याद आ रही होती है तब उसे ये बात याद आती है कि ग्रैंड ने उससे ये भी कहा था कि जब वो ऑर्डर पे पहुंचेंगे तब वहा किसी को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी और भी बात बोलते हैं जो आपको आगे पता चल जाएगा फिर हमें यह भी दिखाया जाता है कि ये दोनों क्योंकि की लड़ाई को भी देखने के लिए गया था जहां पर ग्रैंड पा उसे कह रहा होता है कि तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा फाइटर है वो कहती है हाँ वो तो है ही और फिर इस तरफ हम देखते हैं कि ये कैरी होती है कि हमें ग्रैंड को बचाना पड़ेगा लेकिन क्योंकि कह रहा था कि अब हम क्या कर सकते हैं और फिर देखते ही देखते ये लोग दूसरी तरफ पहुंच चुके होते हैं हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है इस जगह का नाम होता है सी ऑफ क्लाउड्स और ये एयर डिसोलेशन फोर्ट्रेस का सबसे छोटा एरिया होता है ये जगह छोटी है लेकिन यहाँ पर वॉरियर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जैसे कैसे चाय का दुकान मिलता है और फिर आगे हमें ये भी बताया जाता है कि आज से करीबन सौ साल पहले एक कैरेक्टर जिसका नाम था यूहाई वो यहाँ पर आया था और यहाँ के जो एड डिजोलेशन में आठ बड़ी बड़ी फैमिलीज है वो उन बंदों को कुछ भी नहीं समझता था तो इस जगह का नाम उसी के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है आपको पता ही है और आगे हमें यह भी बताया जाता है ये है रोड जो कि लोअर गॉड रियलम तक जाता है लेकिन ये सौ साल पहले ही बंद हो चुका है और कोई भी अगर रियल को रिय, लोअर रियलम तक तो पहुंचने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है क्योंकि रोड पहले ही ब्लॉक हो चुका है अब इसके पीछे का क्या सीक्रेट है ये तो देखकर ही पता चलेगा मगर जो हमारा यूनहाई है उसने इन सभी प्रथाओं को तोड़ डाला और वो एक लेजेंड बन गया क्योंकि वो उस पाथ पर अकेले ही गया था और बिना मरे वो लोअर गॉड रियलम तक तो पहुंच पाया और फिर इसकी आगे की कहानी बहुत ज्यादा ही अजीब है लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आप लोग को पता चलते जाएगा सारे पत्ते खुलेंगे ये टीचर होते हैं इस छोटे बच्चे के और इसे कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर अगर आप ऐसे ही नादान जैसे करते रहेंगे तब तो सभी लोग आपको कूट कर चले जाएंगे लेकिन ये जो बचवा होता है ये कह रहा होता है नहीं नहीं मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा मुझे दूसरे लोगों से कोई भी मतलब नहीं है वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं क्या सोचते हैं मैं अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूँ और अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तब मैं कचरा कहलाऊंगा तो हमें दिखाया जाता है क्यूंकि वहां पे आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि उसे किराए पे घर चाहिए क्या उसे मिलेगा लेकिन वो कहता है कि हमारे पास रूम्स नहीं है इसलिए नहीं मिल सकता है मगर वो जो छोटका बच्चा होता है वो कह रहा होता है आ जाओ आ जाओ बहुत जगह है हमारे पास और ये इस टीचर कहीं मास्टर होता है तो कैसे टाल सकता था अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबो सोई होती है तो ये बच्चा सोच रहा होता है वाह क्या मीन है अभी दूध का दांत टूटा नहीं है और यही सब और क्योंकि उससे कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा बीमार है और वैसे ये लोग काफी दूर से भी चल के आए हैं तो थक चुके हमारे शहर की सबसे कीमती ट्रेजर है लेकिन वो कह रहा होता है कि इसकी जान खतरे में है वैसे ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है और काफी थक भी गई है अगर मैंने ये नहीं किया तो हो सकता है कि ये ना बचे थक के मारे मर जाए और ये रू के हाथ में उस बॉल को दे देता है क्यों को पता रहता है कि ये क्या होता है ये असल में एक फोनिक सीड ही मान सकते हैं आप इसे और ये जो फोनिक सीड होता है ये अपने यूजर को पावर देता है और जैसे ही वो थोड़ी देर बाद ही देखते हैं कि वो होश में आ चुकी होती है और कहने लगती है कि अरे यहाँ पर तब से कहता है कि तुम ज्यादा बात मत करो चुपचाप आराम करो लेकिन वो बचवा तो देखते जाता है क्योंकि शुक्रिया कह रहा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उस फोनिक सीट की वजह से अब उसकी हालत में पहले से सुधार आ चुका है तो वो जो मास्टर होता है वो कहने लगता है तुम्हें पता भी है वो कितना ज्यादा महंगा है और क्या वैल्यू है उसकी हम ऐसे ही किसी पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते मगर वो जो टीचर होता है वो बड़ा अजीब सा होता है वो उस वनिक सीट को लेने के लिए ले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि यंग मास्टर अब उसका काम हो चुका है तो हमें उस सीट को ले लेना चाहिए लेकिन वो जो छोटा बच्चा होता है वो उसे रोक देता है अपने मास्टर को और कह रहा होता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो अभी बीमार है और अगर हम अभी ले लेंगे तो वो बीच में ही रिकवर हो रही है आखिर वो कैसे ठीक हो सकती है लेकिन इसका मास्टर जो होता है ये काफी खड़ूस होता है ये कहने लगता है कि यंग मास्टर छुटकू को कि आप अभी बच्चे हैं आपको अभी दुनिया की ज्यादा समझदारी नहीं है आपको पता नहीं है ये लोग जरूर आपके फोनिक सीट के पीछे पड़े होंगे और जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा ये आपके फोनिक सीट को लेकर यहाँ से भाग लेंगे क्योंकि आप बहुत आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं और ये लोग तो आउटसाइडर हैं ये लोग तो हमारे शहर के भी नहीं है आप इन पर ऐसे भरोसा कैसे कर सकते हैं क्विंग कुछ कह नहीं रहा होता है क्योंकि उसने रूह की मदद जो की होती है वो कह रहा होता है तुम ही लोग ले लेना सीट हम लोग को क्या काम है इससे और वो जो बचवा होता है वो अपने मास्टर को समझा रहा होता है कि नहीं ब्रदर क्विंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है वो बहुत अच्छे इंसान है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन ये जो खड़ूस टीचर होता है ये कहने लगता है कि यंग मास्टर आप अभी भी मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं आप बाहर से तो लोगों को जान सकते हैं कि वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर उसके दिल में क्या चल रहा होगा क्या पता मगर वो जो बचवा होता है वो क्योंकि उनसे कहने लगता है कि आप जरा भी टेंशन मत लीजिए जब तक आप चाहें तब तक उस सीट को अपने पास टेम्प्ररी रख सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि उसकी कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और जब तक वो सीट उसके पास रहेगा तब तक वो धीरे धीरे कर रिकवर होती जाएगी और उसकी कंडीशन में पहले से सुधार भी आ चुका है आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा हम लोग नहीं लेने वाले हैं क्योंकि कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कह रहा होता है वो बचवा की अरे नहीं नहीं कोई भी बात नहीं लेकिन वो टीचर तो अभी बुरे मूड में होता है और कह रहा होता है कि दिखावा करने का बस और फिर आगे वो बचवा अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ आज आपका मूड इतना ज्यादा खराब क्यों है आप ऐसे इन लोगों से बात क्यों कर रहे हैं जैसे आपको इनसे बहुत चेड़ है वो कहता है अरे नहीं कुछ भी नहीं बस ऐसे ही फिर वो लोग बाहर निकलने लगते हैं तो क्विंग कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग तो ये जो टीचर होता है फिर से उससे बोलने लगता है कि देखो मेरे यंग मास्टर ने तुम्हें सीट दे दिया है तुम चुपचाप उसे अपने पास रखो और जब काम हो जाए तो हमें वापस लौटा देना हम कहा जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या करने वाले हैं इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए मगर वो बच्चा इनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर से अपने टीचर से कहने लगता है कि क्या हो गया है आपको आप ही ने तो कहा था कि आप लोगों को बाहर से देखकर जज नहीं करना चाहिए लेकिन मैं देख रहा हूँ आप आज क्विंगिन को ही लगातार टारगेट करते जा रहे हैं और बार बार उसी पर कर रहे हैं वो लेकिन उससे है कि तुम मत करो छोटे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा साथ साथ, रहेंगे, साथ, -साथ वापस आ जाएंगे लेकिन उस टीचर को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती है वो कह रहा होता है कि नहीं तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो तो बचवा कहने लगता है कि क्या हुआ अचानक से आपको ये क्या हो चुका है आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं अगले सीट में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तीनों घोड़ा गाड़ी पे होते हैं और वो बच्चा क्विंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्लाउड से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो ना ही एट डिसोल्यूशन फोर्ट्रेस से या कहीं और से हो तुम क्योंकि उसे बताता है कि वो यहाँ का नहीं है वो किसी और जगह से आया है नाम वाम नहीं बताता है ये नहीं बताता कि वो दूसरी तरफ से आया है तो वो बच्चा सोच रहा होता है क्या एट डिसोल्यूशन फोर्ट्रेस में कोई बहुत ही छोटा गाँव है जिसे मैं नहीं जानता हूँ और वहीं से तुम आए हो आगे वो लोग और भी बातें करते हैं तो क्योंकि उनसे कह देता है कि वो एक लो लेवल रीजन से आया है और उसकी पावर भी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है तो ये सुनने के बाद ये बंदा मुस्कुरा रहा होता है कि लो लेवल रीजन से आया है पावर भी कुछ खास नहीं है इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पता लगाओ पता लगाओ गाइस पता लगाओ क्या गड़बड़ है मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में